अगर आप भी Realme 6 एंड 6 Pro डिवाइस यूज करते हैं और आप भी जो है यहाँ पे कैमरे में जो है इसके अराउंड में जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट जो है इनेबल करना चाहते हैं तो काफी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से जो है आप यहाँ पे इसके कैमरे के चारों तरफ जो है नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं। काफी अच्छी ट्रिक है और यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो लाइट होगी उसका कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग जो चूज कर सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि यहां पे अगर आप रियलमी का 6 एंड 6 प्रो डिवाइस यूज करते हैं तो नोटिफिकेशन लाइट अगर आप यहां पे जनरेट करना चाहते हैं यहां पे कैमरे के चारों तरफ तो काफी अच्छा फीचर है। जैसे ही आपका डिस्प्ले ऑफ होगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी यहाँ पे जो एलईडी लाइट है वो जनरेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली मैं आपको बता देता हूँ करना क्या होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली इसको नेक्स्ट कर लेना है और यहां से आपको जो है डन कर लेना है। जैसे आप इतना करेंगे तो यहां से आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इसकी थिकनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर आप टिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहां से आपको जो है आपको किस टाइप से लेना है उस टाइप से आप यहाँ पे फीचर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम बाउंस पे जो है क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इनेबल कर लेना है और इनेबल करते ही आप जो है एक्सेसिबिलिटी पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से सिंपली आपको एक्सेसिबिलिटी को ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप इतना करेंगे यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से आई अंडरस्टूड पे जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की सी लाइट जो जनरेट हो गई। अब चलिए इसकी सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे आप जो है इसकी सेटिंग ये देख सकते हैं ऊपर की साइड में काफी अच्छा ये यहाँ पे मेथड मिल जाता है और यहाँ से आप जो है चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से जैसे भी आपको ठीक लगे वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर एनिमेशन करते हैं तो इस तरीके का जो इंटरफेस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो कि अपने में काफी अच्छे फीचर जो है देखने को मिल जाता है। और यहाँ से जो इसका थिकनेस है वो भी सेट कर सकते हैं। सेगमेंट में आते हैं तो सेगमेंट में आप यहाँ से जो है इसका देख सकते हैं कलरफुल लाइट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी नीचे आते हैं ग्रेडियंट पे, ग्रेडियंट में आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है ऑप्शन मिल जाता है देखने को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है एनर्जी रिंग को जो है जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए। तो सिंपली लॉक कर लेना है, लॉक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कि आपको काफी अपने में एक यूनिक जो है डिजाइन देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं काफी कलरफुल है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो है जो यहाँ पे कलरफुल लाइट है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।